हाय फ्रेंड्स, दिस इज दीप्ति हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ड्रीम्स। दोस्तों, आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ओडिशा के एक बहुत पुराने शक्तिपीठ पर, और इस शक्तिपीठ का नाम है माँ बरुणी टेम्पल। दोस्तों, अभी मैं खोर्धा इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया भुवनेश्वर से तकरीबन 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, और ये जो शक्तिपीठ है ये इस इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बोर्ड में लिखा गया है बरुणी एंड करुणी पीठ, यानी कि ये जो बरुणी मंदिर है वहाँ पर दो गॉडेस को एक साथ पूजा किया जाता है, तो इसलिए दोनों का नाम इस बोर्ड में मेंशन किया गया है। तो अभी हम चलते हैं बरुणी मंदिर की ओर। दोस्तों, अब हम बरुणी शक्तिपीठ यानी कि बरुणी टेम्पल पर पहुँच गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ दुकानें हैं और यहाँ चारों तरफ, यहाँ एक डाक बंगला है। अगर कोई टूरिस्ट या फिर कोई गेस्ट चाहे तो स्पेशल परमिशन लेके इस डाक बंगला में रह सकता है। और इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये जगह, एक छोटा सा पार्क है बच्चों के खेलने के लिए। और अब हम चलते हैं बरुणी मंदिर की ओर। फ्रेंड्स, ये है बरुणी मंदिर के सामने का हिस्सा, मंदिर का एंट्रेंस गेट है। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं इस मंदिर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो मंदिर है ये हिंदू देवी माँ बरुणी को समर्पित है, जो कि एक शक्तिपीठ है। दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह में जुड़वा देवियों को पूजा किया जाता है, माँ बरुणी और माँ करुणी। दोस्तों, अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं ये मंदिर पर। ये छोटा सा एक मंडप जैसा है, यहाँ पे कुछ शादी वादी होता है। और ये है मेन मंदिर, और यहाँ पर मंदिर के लिए भोग मिलता है। यहाँ भी एक मंडप है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस मंदिर को साल 1570 में रामचंद्र देव ने बनाया था। रामचंद्र देव प्राइम मिनिस्टर दनय विद्याधर के बेटे थे। खोलापाला के राजा भला विक्रम सिंह के प्राइम मिनिस्टर थे दनय विद्याधर। उन्होंने इस खोर्धा डिस्ट्रिक्ट को अपने प्राइम मिनिस्टर को आज एक गिफ्ट प्रेजेंट किया था। जब रामचंद्र देव ने खोर्धा को अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, फिर उन्होंने उसका नाम जगन्नाथपुर कटक रख दिया, जो कि लॉर्ड जगन्नाथ के ऊपर बेस्ड है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, ओडिशा के इतिहास में कड़ा पत्थर नाम का एक मुस्लिम रूलर था, जो कि ओडिशा में सारे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देता था। उस कड़ा पत्थर के डर से जगन्नाथ टेम्पल में जो जगन्नाथ का मूर्ति है उन्हें लाके यहाँ छुपा के रखा गया था। दशहरा के वक्त मंदिर के अंदर जो जुड़वा देवी हैं उन दोनों देवियों का मूर्ति को बाहर लाके पूजा किया जाता है। दोस्तों, पहले यहाँ जय दुर्गा, कनक दुर्गा, माँ बरुणी और माँ करुणी का मूर्ति था। जब भोई डायनेस्टी यानी कि रामचंद्र देव यहाँ से पुरी को शिफ्ट किए, तब वो अपने साथ कनक दुर्गा और जय दुर्गा के मूर्ति को ले गए। Thank you.
फ्रेंड्स, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दशहरा में पूरी जगन्नाथ टेंपल से यहाँ पर साड़ी और महाप्रसाद लाया जाता है। दोस्तों, कुछ हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार का ये कहना है कि पूरी के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव ने जब कांची विजय किए थे तो अपने साथ साखी गोपाल, गणेश, वरुणी और करुणी का मूर्ति यहाँ लाके इस्टेब्लिश किए थे। दोस्तों, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर पाइका विद्रोह। जो यहाँ के लोकल पाइका है वो इस वरुणी और करुणी देवी को आज क्षेत्रेश्वरी पूजा करते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है वरुणी हिल और यहाँ पर एक अंडरग्राउंड स्ट्रीम फ्लो होता है। ये देखिए स्ट्रीम का पानी है और पानी आगे जाके यहाँ पर स्टोर होता है। ये जो स्ट्रीम है इसका नाम दिया गया है स्वर्ण गंगा। दोस्तों, इस पानी का खासियत है कि इस पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। अगर किसी को कोई स्क्रीन डिजीज है कुछ है तो इस पानी में उसको क्यूरिटी मिल सकता है। और यहाँ पर दशहरा और रजा संक्रांति में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। पर्टिकुलरली रजा संक्रांति में यहाँ 4 दिन का मेला होता है, इसीलिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और मेले में अपना सामान परचेस करके फिर वापस घर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं कुछ केव्स के ओर। यहाँ का मान्यता है कि पांडव यहाँ आके गुफा में कुछ दिन के लिए रेस्ट लिए थे। दोस्तों, ये है वरुणी मंदिर और यहाँ पर एक उसके बाजू में एक रास्ता है और ये है खुर्दा इंडस्ट्रियल एरिया। इस रास्ते का इतिहास ये है कि ये रास्ता खुर्दा पोर्ट यानी कि खुर्दा में जो दुर्ग है उसके साथ टनल के थ्रू कनेक्टेड है। ओडिशा के ग्रेट वॉरियर्स, उनको पाइको कहा जाता है और वो गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं। जब दुश्मन की तादाद ज़्यादा है और उन्हें बैटलफील्ड में परास्त करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है तो पाइको गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, यानी कि छुप के अटैक करो, उसके बाद जंगल में कहीं डिसअपियर हो जाओ। यही स्ट्रैटेजी मराठा के राजा शिवाजी भी फॉलो करते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कुछ केव की ओर जा रहा है यानी कि कुछ गुफाओं की ओर जा रहा है। कम से कम ये 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक खड़ी चट्टान है। मैं ऐसा हालत में अभी पहुंच गया हूं कि मैं अभी खड़ा भी नहीं हो सकता हूं, इसीलिए मैं वापस जाने का फैसला किया हूं। फ्रेंड्स, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पहाड़ के ऊपर जा रहा है और इस रास्ते पर मैं ऊपर जाने की कोशिश किया, इसीलिए मैं कम्प्लीटली टायर्ड हो गया, मेरा बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो गया है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ज़मीन में लेट गया और यहाँ पर मुझे थोड़ा फ्री मसाज मिल गया और मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अभी मैं अभी वापस जाने का फैसला किया हूँ। फ्रेंड्स, इस मंदिर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ इस भोग के साथ साथ मछलियों का भोग भी लगता है। दोस्तों, अब हम वापस आते हैं, मे बी अब हम दूसरे जगह जाएंगे। दोस्तों, यह है कुंज बिहारी मंदिर जो कि खुर्दा पोर्ट के एकदम पास है। इस मंदिर को ब्रिटिशर्स ने बहुत बार इस मंदिर को तोप से उड़ाने की कोशिश की मगर इस मंदिर का कुछ भी नहीं हो पाया। और इस मंदिर को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। इस मंदिर को 1956 में प्रोटेक्ट किया गया है। दोस्तों, यह है खुर्दा घोड़ा यानी कि खुर्दा पोर्ट।
जैसे कि बारावाटी कटक यानी कि बारावाटी पोर्ट है, ठीक उसी तरह यह है खोर्धा पोर्ट। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके सामने तो ये कोई गाड़ी रखा है, स्टेट गवर्नमेंट का नेग्लिजेंसी की वजह से इस फोर्ट का हालत ऐसा हो गया है, मालूम नहीं आगे कुछ है नहीं है। 1570 में ये फोर्ट को बनाया गया था। देखिए आज इसका कंडीशन कैसा है, इसको उसी की हालत में छोड़ दिया गया है। दोस्तों यह खोर्धा गढ़ यानी कि खोर्धा पोर्ट, इसे 1570 में रामचंद्र देव ने बनाया था। आज देखिए इसका हालत कैसा है, स्टेट गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस की वजह से इसका हालत ऐसा हो गया है। ये उड़ीसा का इतिहास को बयान करता है। दोस्तों उड़ीसा का ब्रेव वॉरियर को पाइको कहा जाता है। पाइको जो कि गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि गोरिल्ला स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। गोरिल्ला स्ट्रेटेजी को छत्रपति शिवाजी फॉलो करते थे। जब दुश्मन की तादाद ज़्यादा होता है और उन्हें बैटल फील्ड में हराना मुश्किल है, तब उड़ीसा के पाइको गोरिल्ला स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे। गोरिल्ला स्ट्रेटेजी यानी कि छुपके से अटैक करना, उसके बाद जंगल में कहीं डिसअपियर हो जाना। गोरिल्ला स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए लाखों मुगल और ब्रिटिशर्स इन पाइकों के हाथों मारे गए थे। यहाँ अंदर एकदम जंगल हो गया है और लोकल है, उनसे मैं बात किया और मुझे मना करे कि इसका अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों लोकल का कहना है कि इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे सीक्रेट टनल्स है जो यहाँ से शुरू होकर इस बरुणे की पहाड़ी में ख़त्म होता था। इस टनल को यूज करते हुए उड़ीसा के पाइको आइदर खुद को बचाते थे या फिर पीछे से दुश्मन के ऊपर वार करके दुश्मन का काम तमाम कर देते थे। 1508 से लेकर 1803 तक ये फोर्ट उड़ीसा का एक मेजर फोर्ट के हिसाब से कंसिडर किया जाता था। 1803 में जब ब्रिटिशर्स उड़ीसा में एंटर की तो वो बारावाटी पोर्ट को बहुत ईजिली ऑक्यूपाई कर लिए थे, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन वाइज बारावाटी के आसपास कोई भी जंगल या फिर कोई पहाड़ी नहीं था। क्योंकि ये फोर्ट इस बरुणाई पहाड़ के नीचे है तो पाइको इस पहाड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और सीक्रेट टनल यूज़ करते हुए इस फोर्ट से निकल के उस पहाड़ी तक चले जाते थे। दोस्तों 1803 से लेकर 1817 तक उड़ीसा के ब्रेव वॉरियर्स यानी कि पाइको ने ब्रिटिशर्स को धूल चटा दी थी, क्योंकि 1803 से लेकर 1817 यानी कि 14 साल वो लाखों ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिए थे। दोस्तों जब 16 सेंचुरी में मुगल्स ने उड़ीसा के ऊपर अटैक किए थे तब वो चाहकर भी इस खोर्धागढ़ के ऊपर अटैक करने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि ये जो उड़ीसा के पाइको थे माँ बरुणे को शक्ति के रूप में पूजा करते थे। जब मुगल ने उड़ीसा के पाइको से हार मान ली तब वो बरुणे मंदिर के जाके उसे पहले अपवित्र किया, उसके बाद एक खोर्धा पोर्ट के ऊपर अटैक करके खोर्धा पोर्ट को ऑक्यूपाई करने में सक्षम हुए थे। दोस्तों मेटीबाल ओडिया पोएट बलराम दास ने अपने पोएट बाट्टो अवकाश में ये ट्विन गॉडेस जो कि बरुणाई माँ और करुणाई माँ है उनके ऊपर डिस्क्राइब किया है। दोस्तों ये देखें चारों तरफ ये खोर्धा पोर्ट, इसे देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। सारा मनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि इन फ्यूचर में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट माई वीडियो, आई थिंक आई हैव शेयर सम इन्फॉर्मेशन विथ यू एंड आई विश आई विल शेयर मच मोर इन्फॉर्मेशन विथ यू इन फ्यूचर। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।